जय हिंद किसान भाइयों, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके खुद के चैनल किसान जंक्शन पर। तो आज हम आए हुए हैं बड़ा गांव डिस्ट्रिक्ट करनाल हरियाणा के अंदर, और आज मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं एक ऐसे युवा किसान के साथ जिन्होंने लगभग 8 साल पहले इस कारवा को शुरू किया था, और आज पूरे भारतवर्ष में इन्होंने बकरी फार्म के अंदर अपना एक नाम, अपना एक पहचान बनाई है। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, दर्जनों अवार्ड जीत चुके हैं इसके साथ साथ। और हाँ किसान भाइयों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता रहा था, आज हम बड़े गांव में आए हुए हैं राधे राणा जी के यहाँ पे, इनके बकरी फार्म पे, जहाँ पर ये बर्बरी और बीटल की प्योर ब्रीड का काम करते हैं। ये सर का फार्म है राघव गोट बर्बरी ब्रीडिंग फार्म, जो सन 2011 से चला रहे हैं। सर के नंबर आपको ऊपर बोर्ड में दिख रहे हैं या नीचे डिस्प्ले में, डिस्क्रिप्शन में आपको सर के नंबर भी मिल जाएंगे। आइए मैं आपको सर का फार्म विजिट करवाता हूँ। नमस्कार राणा जी। तो जैसे दोस्तों आप देख पा रहे हैं, आज हम बड़ा गांव में आए हैं राधे राणा जी के यहाँ पर, जिनके बारे में आपको बता रहा था। तो सबसे पहले मैं आपकी मुलाकात करवाऊँ राधे राणा जी, इससे पहले मैं चाहूँगा राणा जी सबसे पहले हमें अपना आप फार्म विजिट कराएं। प्लीज़ आप हमें ये गाइड करें कि आपने इस फार्म को कैसे बनाया, कितनी हाइट पर रखा, और इसके ऊपर आपने कैसे, आप देख पा रहे हैं जैसे सीमेंट की चादर के साथ बनाया हुआ है, कितना शेड है, कितने बाय कितने के खाने बनाए हुए हैं, उसके बारे में आप बताएं प्लीज़ हमें। हमारी जो शेड की लंबाई है जी, वो कम से कम 140 फीट है जी, और 12 फीट शेड की चौड़ाई है जी, और जो हमने इसके सामने जो फेंसिंग छोड़ी हुई है वो 40 फीट के आसपास है हमारी जी, और 24 फीट के हमने इसमें 7 पोर्शन दिए हुए हैं जी फार्म के अंदर में जी। तो जैसा कि राणा जी हमें बता रहे हैं, आप फार्म देख सकते हैं सर, इसकी हाइट कितनी है शेड की? हाइट इसकी जो फ्रंट से है वो 11 फीट है, और जो डाउन है वो 9 फीट है। फ्रंट से 11 फीट और डाउन जो है 9 फीट, ताकि स्लाइड के अंदर जो भी यहाँ पर बारिश वगैरह का पानी है नीचे आता रहे। तो सर इसके लिए वेंटिलेशन का अगर आपने, जैसे हम बात करते हैं दिशा के हिसाब से, किस दिशा में फार्म बनाया हुआ आपने? ये इसकी साउथ में तो इसकी बैक है, और नॉर्थ में इसका फेसिंग है। मतलब साउथ और नॉर्थ की फेसिंग के अंदर उन्होंने जो है अपना फार्म बनाया हुआ। देखिए राणा जी ने बहुत ही बढ़िया तरीके से पूरा, मैं चाहूँगा एक बार कैमरा घुमाकर दिखाएं, राणा जी ने बहुत ही बढ़िया तरीके से पूरा ओवरव्यू, बहुत ही बढ़िया तरीके से फार्म मैनेज किया हुआ है। आइए इसके बारे में हम ज़्यादा जानकारी राणा जी से लेते हैं। तो जैसा हम छोटे छोटे किड्स यहाँ पर देख पा रहे हैं, एक बार कैमरा से दिखाएं आप राणा जी, पहले आप हमें इनके बारे में बताएं। हमारे पास यहाँ पे 2 ब्रीड है इसमें जी, एक तो बर्बरी है जी, और जो ब्लैक में है ये बीटल है जी, और ये बच्चे 2.5-3 महीने के बच्चे हैं जो भी मिल्क के हैं जी, सभी बच्चे हैं जी। तो ये आपने इनको अलग से रखा हुआ है? बिल्कुल। तो अलग से रखने का इनका कारण सर कुछ? अलग से रखने का मेन तो ये है कि माँ से थोड़ा बच्चा दूर रहेगा, परमानेंट अगर माँ के पास रहेगा वो जी, तो उसमें कई बार बच्चा दूध भी लेता है ज़्यादा, जिससे डायरिया की दिक्कत आती है जी, और साथ में बच्चे को थोड़ा बहुत फीडिंग भी चाहिए जी, अगर बड़े एनिमल के साथ में होगा उसको प्रॉपर फीडिंग नहीं मिल पाएगी जी, बड़ा एनिमल उसको परेशान करेगा जी, इस वजह से हमने इसको माँ से थोड़ा अलग किया हुआ, 48 घंटे माँ के साथ रखते हैं, उसके बाद फिर अलग कर देते हैं इनको जी। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कैसे इसे फीडिंग दे रहे हैं। सूखे चारे में तो हमने इनको अभी चने की तूड़ी डाली हुई है जी, और हरे चारे में इसमें मक्की जी, सुपर नेपियर है जी, सुपर नेपियर और मकई। हाँ। ये अपने खेत में ही आप इसे जो है लगाते हैं? खुद की प्रोडक्शन है अपनी जी, खुद की प्रोडक्शन है। हाँ। तो ये जो आप दे रहे हैं पूरी न्यूट्रिशन वैल्यू इसकी पूरी करता है। हाँ, ग्रासेस की देख पा रहे हैं राणा जी ने बर्बरी का एक छोटा सा किड उठाया हुआ है। तो राणा जी आप हमें बताएं इसकी पहचान क्या है? बर्बरी के जो व्हाइट और बादामी स्पॉट्स का इसका कलर होता है जी, और जिसके कान होते हैं वो इसके बिल्कुल खड़े होते हैं जी, कान बिल्कुल खड़े होते हैं। और इसका सर मैक्सिमम क्या वेट जाता है अगर हम बात करें? मैक्सिमम वेट इसका अभी हमारे पास जो बच्चा है ये 3.5 महीने का है, और 18 किलो के आसपास इसका वेट है जी, 18 किलो के आसपास इसका वेट है। तो सर इसका जैसे हम बात करते हैं, ये कितने टाइम पे जो है मतलब मैच्योर हो जाता है, या कितने टाइम के बाद ये फीमेल जो है वो 8 महीने में आसपास मैच्योर हो जाती है? इसकी 2 कंडीशन होती है जी बर्बरी की, या तो उसका 18 किलो वेट हो जी, और सेकंड है इसका, या फिर 8 महीने के आसपास उसकी एज हो तो उसको हम क्रॉस करा सकते हैं जी, या तो 18 किलो वेट हो या फिर 8 महीने के आसपास उसकी एज होनी चाहिए। हाँ। जैसा सर आप देख पा रहे हैं सर, ये जो है प्योर बीटल का सर ने एक बच्चा है सर, इसकी कैसे पहचान होती है इसके बारे में प्लीज हमें बताएं। बीटल जो है वो अगर देखे प्योर कलर देखे तो इसका ब्लैक कलर है जी, और कान इसके लंबे होते हैं, आंखें का जो कलर होता है वो उसका व्हाइट होता है जी, और इसके अलावा इसकी रोमन नोज है, जैसे रोमन नोज है इसकी, जैसे बिल्कुल खड़ी होती है इसकी जी जी, यही पंजाब बीटल है सर, इसकी खास पहचान यही है। तो चलिए हम बड़ी बीटल गोट की तरफ चलते हैं राणा जी के साथ। जैसा हम देख पा रहे हैं राणा जी, आप ये बताएं ये जो बड़ा है बर्ड, जो बड़ी यहाँ पर फीमेल नजर आ रही है, इसके बारे में कुछ बताएं सर।
ये जो बड़ी बीटल है जी, इसका जो फर्स्ट क्रॉसिंग टाइम है वो 14 से 18 महीने का है जी। हाँ जी, 14 से 18 महीने में इसका फर्स्ट क्रॉसिंग टाइम है। तो इसमें हम जैसे देख पा रहे हैं कुछ ब्लैक है और कुछ इसमें जैसे ब्राउन कलर है, इसमें कलर कोई भी आ जाता है? दो शेड है इसमें जैसे अपना, वैसे ज्यादातर तो शेड इसमें जो कलर है वो ब्लैक ही है और ब्राउन साइड जो कलर है उसका गुरदासपुर साइड में थोड़ा ज्यादा मिलता है ये जी। तो इसकी क्या कैपेसिटी है सर, इसकी अगर हम बात करते हैं, मैं आपको दिखाना चाहूंगा इसका, आप बकरी का ऑर्डर देख सकते हैं। देखिए सर, इसकी मिल्किंग कैपेसिटी क्या है? मिल्किंग की इसकी है 2.5 लीटर से लेके 5 लीटर के आसपास तक की है गोट हमारे पास इसमें। ये बर्बरी ब्रीड है जी जी, और स्टॉल फीडिंग के अंदर अगर देखा जाए तो बर्बरी सबसे कामयाब ब्रीड है जी, और साल में इसकी 2 कीडिंग है जी। हाँ जी, जो फर्स्ट क्रॉसिंग है वो इसकी 8 महीने के आसपास की है। हाँ जी, और उसके 4-5 महीने के आसपास में इसकी फर्स्ट कीडिंग स्टार्ट दे देती है जी, और बच्चा देने के 1.5 महीने बाद ये दोबारा फिर क्रॉस हो जाती है जी। बच्चा देने का 1.5 महीने बाद जस्ट। हाँ, जब जी। सबसे देखे जाए तो हाई प्रोडक्शन इस ब्रीड का है, सबसे हाई प्रोडक्शन इस ब्रीड का है। हाँ। और फार्म के लिहाज से देखा जाए तो सबसे कामयाब ब्रीड यही है ब्रीड। हाँ। जी, तो ये बच्चा जैसे हम देख पा रहे हैं ये कितने दिन का है सर? ये 5 दिन का बच्चा है जी, 5 दिन का बच्चा है। तो ये अमूमन बकरी कितने बच्चे देती है सर एक बार में? फर्स्ट में तो इसका जैसे देखा जाए तो कोई भी गोट है वो सिंगल में है जी, और उसके बाद ट्यूनिंग या ट्रिपलिंग है जी, सबसे ट्रिपलिंग है। हाँ। जी, मतलब 3 बच्चे भी बकरी जो है बर्बरी ब्रीड आराम से दे सकती। हाँ है। इसके अलावा कुछ और आप बताएं सर हमारे किसान भाइयों को, जैसे हम देख पा रहे हैं सर इनको भी आप एज अ फोडर जो है चारे के रूप में, देखिए ग्रीन नेपियर, और सर इसके साथ क्या दे रखा है आपने? इसमें नेपियर हो गया जी, और मक्की है जी, और साथ में हमने इसको रिजका है इसके मिक्स है जो जी। हाँ जी, रिजका मतलब की रिजका जो लहसुन घास जो बोलते हैं जी। हाँ जी, तो इसके अलावा जैसे सूखे चारे में आप इन्हें क्या देते हैं? सूखे चारे में हम इसको अभी जैसे चने की तुड़ी दे रहे हैं, और सर्दियों में ग्वार की देते हैं जी। मतलब की गर्मियों में चने की तुड़ी और सर्दियों में ग्वार की। हाँ जी, अगर हम प्रॉपर बात करें सर इसका बकरी की फीडिंग का खर्चा, एक दिन में कितना फीड खा जाती है बर्बरी? अगर देखे अगर गोट जो मिल्क वाली गोट है तो 12 रुपए की कॉस्टिंग है उसकी डेली की हमारे पास जी, 12 रुपए का डेली फीड। हाँ। खा लेती है ये। एक जो फीमेल है कितने टाइम पे जो है जो क्रॉसिंग के लिए तैयार हो जाती है? फर्स्ट क्रॉसिंग इसकी 8 महीने की है। 8 महीने की है। 8 महीने की क्रॉसिंग, या लगभग आप जैसे बता रहे थे 18 किलोग्राम के आसपास इसका वेट इसका वजन होना चाहिए। तो दोस्तों मैं इसका भी आपको दिखाना चाहूंगा एक बार, एडर देखिए, बहुत शानदार बकरी है यहाँ पर सर। ये कितना दूध दे देती है, दूध की कैपेसिटी क्या है इसकी? दूध का तो अगर नॉर्मल देखिए 1.5 लीटर के आसपास में इसका दूध है जी। अगर आप दूध, दूसरी बात है फीडिंग पे डिपेंड करता है आप किस तरह का न्यूट्रिशन एनिमल को दे रहे हो। हमारे पास में गोट है बर्बरी, इसका करीब 4 लीटर के आसपास दूध जी। देखिए एक बार आपको दिखाना चाहूंगा, ये देखिए राणा जी बता रहे हैं कौन सी ब्रीड है सर, ये देखिए ये जो बर्बरी गोट है आप देखिए बहुत बढ़िया 4 लीटर के आसपास ये दूध दे रही है। स्पेशल जो अपने चौहान साहब डायरेक्टर साहब हैं डॉक्टर एम एस चौहान, स्पेशल देखने के लिए आए थे इस गोट को जी। बहुत। तो राणा जी मैं जानना चाहूंगा ये इनके बारे में भी कुछ बताएं आप हमें किसान भाइयों को। हमारे पास में जो भी मेल है इसमें ज्यादातर मेल बर्बरी के हैं जी, और 1 साल से लेके इसमें 14 महीने, 12 महीने, 14 महीने, 18 महीने तक का मेल है जी, और सबसे बड़ा मेल एक ही है जो 22 महीने का, इसमें 22 महीने का मेल है सर ये। अभी जो मेन हमारा जो काम है वो ब्रीडिंग का है जी, और जो फार्मर हमसे जुड़े हुए हैं हाँ जी, तो जो मेल लेके जाते हैं हमसे 1 साल का मेल लेके जाते हैं अपने ब्रीडिंग के लिए, जैसे उनकी डिमांड रहती है 1 साल के 2.5 साल का जी, मेल का हमको उनको जो पार्टी को आगे सप्लाई देते हैं। हाँ जी, और 1 साल के देखा जाए तो मेल का वेट होता है करीब 28 किलो 32 किलो के आसपास हो जाता है जी ब्रीडिंग के लिए जी। हाँ, 28 किलो 32 किलो के आसपास इसका वेट हो जाता है। और जैसा हम देख रहे हैं उधर ब्लैक कलर का, आप दिखाएं एक बार किसान भाइयों को, ये सर बीटल का मेल है। ये बीटल है जी। तो सर इसका वेट कितना है और ये कितना लगभग अगर हम बात करें? इसमें हमारे पास अभी 2 मेल है जो 16 से 18 महीने के हैं जी, और वेट अगर देखा है तो 85 के आसपास इनका वेट है, 85 केजी के आसपास इसका वेट है। तो इसे आप 1 साल के बाद इसे भी चेंज कर देते हैं आप? हाँ, चेंज कर देते, मतलब जैसी डिमांड आती है पार्टियों की। मेन तो जैसे ब्रीडिंग में जिनको किसी को 1 साल का चाहिए या 2 साल या 3 साल, जैसे किसी डिमांड होती है वैसे सप्लाई देते हैं उनको जी। एक और चीज़ आप हमें बताएं सर, जैसे किसान भाइयों को जो हरियाणा पंजाब से या उत्तर प्रदेश से या आसपास से हैं, इसकी मार्केट के बारे में और बताएं किसान भाइयों को, इसकी मार्केट कहाँ है, ये फाइनल प्रोडक्ट कहाँ बिकता है? अगर मीट की बात करें या अभी आपने जैसे बात की कि आप और क्या प्रोसेसिंग कर रहे हैं इसके अंदर? देखिए ऐसे जी, अभी जो फार्मर हैं जो आगे लोग जुड़े हुए हैं, अगर जो कोई प्योर ब्रीड से स्टार्ट कर रहे हैं हाँ जी, तो मीट में तो जाने की उनको जरूरत है ही नहीं, डिमांड ब्रीडिंग में इतनी डिमांड आ रही है। हाँ जी। हाँ, और जो अगर मिक्स ब्रीड में काम करते हैं तो उनका ईद वगैरह के लिए अच्छा प्रॉफिट है उन लोगों के पास में, ईद में सेल कर सकते हैं, या वैसे होली वगैरह के टाइम में सीजन होता है जी, और हिली एरिया में काफ़ी डिमांड है मटन की जी।
तो किसान भाइयों, जैसे हम आज आए हुए हैं राधे राणा जी के यहाँ पर, मैं कुछ सवाल जवाब ऐसे हैं जो बकरी फार्म के बारे में जानना चाहूँगा। राणा जी, सबसे बड़ी खासियत बताऊँ मैं सर की, सर को दर्जनों अवार्ड मिल चुके हैं अभी तक बकरी पालन के ऊपर, और इसके अलावा सर ने बहुत ही मेहनत से अपने फार्म के अंदर, अगर मैं बात बताऊँ, अपनी पहचान बनाई है बकरी फार्म के अंदर, पूरे भारतवर्ष में सर का नाम भी है। तो सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आप जो नए किसान भाई हैं उन्हें कुछ गाइड करें इसके बारे में कि किस ब्रीड से वो स्टार्ट करें, जैसे आपने यहाँ पर बर्बरी और बीटल रखी हुई हैं, और क्या आप उन्हें सुझाव देंगे कितने एनिमल से स्टार्ट करें और कितनी जगह से स्टार्ट करें। देखिए सर जी, काम जब कोई फार्मर स्टार्ट करता है तो सबसे मेन शेड है जी, सेकंड उसका फीडिंग है जी, थर्ड वैक्सीनेशन है और फोर्थ है जो उसको बकरी पालनी है अपने क्षेत्र के हिसाब से। तो कोई हरियाणा से बिलोंग करते हैं या पंजाब से या यूपी राजस्थान से, वो जो भी उसके एरिया में जो ब्रीड जो कामयाब हो उस बकरी से आप अपना स्टार्ट कर सकते हैं जी। और आज की डेट में जो भी फार्मर है वो कहीं ना कहीं, जैसे जिस तरह से फार्म खुल रहे हैं उस तरह से बंद भी हो रहे हैं जी, उसके कई कारण लगा सकते हैं। मान लो बहुत से जो फ्रेशर आ रहे हैं वो कोई भी बकरी ला के अपने फार्म में रख लेते हैं जी, मार्केट से कहीं भी मंडियों से वो खरीदते हैं उस जानवर को, वो प्रॉपर वैक्सीनेटेड नहीं होता जी, और किसी ने साइड अच्छा बना रखा है, प्रॉपर वैक्सीनेशन है जानवर, उसके पास में फीडिंग की दिक्कत है, प्रॉपर चारा नहीं है खिलाने के लिए, हरे चारे की दिक्कत है, सप्लीमेंट की दिक्कत है, और जो सूखा चारा चाहिए जानवर को उस की तरह समस्या रहती है फार्मर को। तो सबसे पहले जब भी कोई फार्मर अगर स्टार्ट करता है उसको बकरी के बारे में, उसको फीडिंग के बारे में, वैक्सीनेशन के बारे में, किस तरह का उसका रख रखाव करना चाहिए वो पूरी जानकारी होनी चाहिए जी। कहीं से वैसे अपना CIRG मखदूम मथुरा वहाँ से अपना ट्रेनिंग करें, या कोई भी अपने क्षेत्र में कोई अच्छा फार्मर गोट फार्मिंग कर रहा है उनसे सलाह पर मशवरा लेकर जब अपना काम स्टार्ट करें। हाँ जी, देखिए बहुत बड़ी अच्छी बात बताई है इन्होंने, जो किसान भाई एकदम से उत्सुकता के साथ एकदम से बकरी फार्म की तरफ भागते हैं, तो सर ने हमें बताया कि पहले उसके बारे में पूरी ट्रेनिंग लें, ट्रेनिंग लेने के बाद ही इसकी शुरुआत करें। सर, एक और चीज़ इसमें आप हमें बताएं कि अगर कोई नया किसान शुरू करता है तो वो कितने एनिमल से स्टार्ट करें और किस ब्रीड से स्टार्ट करें, कौन सी ब्रीड सबसे बेस्ट है जो फार्मिंग के लिए बेस्ट है। देखिए, अगर कोई भी किसान जैसे जुड़ता है नया किसान का और गोट फार्मिंग करनी है जी, तो 25 या मैक्सिमम 50 एनिमल से वो स्टार्ट कर सकते हैं जी। कम एनिमल से स्टार्ट करेगा तो उसको एक्सपीरियंस रहेगा जी, उसको बकरी के का रख रखाव का, बच्चे के कैसे रखना है, किस टाइम उनको दूध पिलाना है जी, और छोटे बच्चों की फीडिंग क्या करनी है जी, बड़े एनिमल को कब उसको सप्लीमेंट उसको देना है जी, हरा चारा कितना देना है, सूखा चारा कितना देना है, तो कम एनिमल में उसको एक्सपीरियंस हो जाएगा पूरा रखाव करने का। एक साल के करने के बाद उसके बाद वो चाहे जितने मर्जी एनिमल रखिए, 100 रखिए, 200 रखिए, 500 रखिए जी, तो उसके बाद उसकी जितनी भी उसकी आप कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। सर, एक और चीज़ आप हमारे किसान भाइयों को बताएं मैं चाहूँगा कि जैसे अभी फार्म के अंदर काफ़ी सारी ब्रीड्स के ऊपर चर्चा चलती है, जैसे कि सिरोही है, जमुनापरी है, इस तरह की और भी काफ़ी ब्रीड है ऑल ओवर इंडिया, तो फार्म के रिगार्डिंग अगर कोई किसान शुरू करता है, आप ये बताएं किसान भाइयों को कि इस ब्रीड में क्या खासियत है, जैसे आपने बर्बरी का रखा हुआ है और बीटल में क्या खासियत है, आपने इन दोनों ब्रीड को ही क्यों चुना फार्मिंग के लिए। बीटल का जो एनिमल है वो दूध का एनिमल है जी, वैसे तो बकरी को हर कोई मीट पर्पस के लिए यूज़ करता है जी, लेकिन फिर भी अपने इंडिया में कई ब्रीड ऐसी है जैसे जमुनापारी है, बीटल है, इनका दूध बड़ा अच्छा है जी, और अगर आपकी फीडिंग अच्छी है तो 4 लीटर या 5 लीटर के आसपास में बकरी दूध दे देती है जी। और दूसरी ब्रीड हमारे पास में जो बर्बरी है जी, बर्बरी की खासियत एक है कि स्टॉल फीडिंग पे बड़ी अच्छी तरह से जानवर रह सकते हैं जी, और जो भी कोई नया फार्मर अगर गोट फार्मिंग से जुड़ता है तो उसको अगर एक्सपीरियंस करना है गोट फार्मिंग के बारे में तो उसके लिए बर्बरी बहुत अच्छी ब्रीड है जी। एक बार बर्बरी से वो स्टार्ट करे, 6 महीने 8 महीने 10 महीने करके देखे, उसके बाद वो जो सी मर्जी बकरी से स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे वो सिरोही रखे या जमुनापारी रखे या बीटल रखे जी। पर बर्बरी अपने क्षेत्र में सबसे अच्छी कामयाब हो रही है, हरियाणा में, यूपी में या पंजाब में जी। तो बर्बरी सबसे बेटर है, बर्बरी की जो प्रोडक्शन लेवल है बहुत हाई है दूसरी ब्रीड के मुकाबले, साल में इसकी 2 किडिंग है जी। और जो बच्चों का भी है इसका ट्यूनिंग है, ट्रिपलिंग बहुत ज़्यादा है जी। दूसरी ब्रीड के मुकाबले देखें तो बीटल में जैसे सिंगल ज़्यादा है, 60-70% के आसपास में इसमें सिंगल है, 30% के आसपास इसमें ट्यूनिंग है जी। और दूसरा है कि बीटल का वेट बड़ा अच्छा है जी। साल में अगर इसकी बात करते हैं फीमेल की तो 55 किलो के आसपास में इसकी फीमेल वेट कर जाती है अगर फीडिंग आपकी अच्छी है, नॉर्मली इसका 35-40 किलो के आसपास रहता है जी। और मेल का भी देखिए तो मेल भी 65 किलो के आसपास में
जिसका वेट गेन कर लेते हैं। अगर फीडिंग आपकी अच्छी, सप्लीमेंट आप सही दे रहे हो तो 70 किलो 80 किलो के आसपास में इसका मेल एक साल में वेट कर जाता है। बड़ी से साल में पूरा खर्चा निकाल के सब उसका तो 10,000 का प्रॉफिट है जी, एक सिंगल एनिमल से। हाँ, सिंगल फीमेल से पूरा खर्चा निकाल के साल का उसका 10,000 का प्रॉफिट है। अगर यही बात अगर बीटल की करें तो बीटल से 20,000 रुपए के आसपास में साल का प्रॉफिट है जी। अगर बीटल से बात करें तो 20,000 रुपए, और बर्बरी से बात करें तो 10,000 रुपए। आप कितनी फीमेल्स पे कितने मेल रखते हैं और उसको आप कब चेंज कर देते हैं? हम 25 फीमेल पे एक मेल यूज करते हैं जी, और करीब 1.5 साल तक हम एक गोट पे, जैसे एक मेल हम उसको 25 मेल पे इनको यूज करेंगे फीमेल पे एक मेल को, और 1.5 साल के बाद हम उसको चेंज कर देते हैं जी। अगर कोई किसान भाई ट्रेनिंग लेना चाहता है या कोई किसान भाई इसके बारे में जानकारी लेना चाहता है, उसे आप कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? देखिए, अगर कोई किसी को नया काम स्टार्ट करना है तो उसके हम कंसल्टेंसी भी देते हैं, करीब 2-2.5 घंटे का हम कंसल्टेंसी का टाइम देते हैं, जिसमें जो भी काम को लेके, जैसे शेड को लेके या फीडिंग का है, क्या चारा खिलाना है, उसको कौन कौन सी वैक्सीन होनी है और कौन सी वो ब्रीड रख सकता है और ब्रीड के मतलब क्या आगे उसकी मार्केट है, उसकी पूरे हम नॉलेज देते हैं। बाकी जो भी अगले फार्मर को कोई भी डाउट होता है भाई, हमें कैसे किस क्षेत्र में ये काम स्टार्ट करें, हमें कौन सी ब्रीड वहाँ पर रखनी है, किस तरह का चारा हम लगा सकते हैं, उसकी हर तरह की इन्फॉर्मेशन देते हैं। और किसी को अगर ट्रेनिंग भी चाहिए तो 4 या 5 दिन के हम अपने पास में रख के पूरा ग्राउंड लेवल से पूरा सिखाते हैं जी। इसके अलावा किसान भाइयों, आपको नीचे सर के नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं, आप सबसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। किसी भी तरह की आपको बकरी फार्म के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए या आपको किसी भी तरह की ब्रीड के बारे में नॉलेज लेनी है या इनका सर का ब्रीडिंग का भी काम है, आपको प्योर ब्रीड लेनी है, तो सर के नंबर नीचे डिस्प्ले में आ रहे हैं। तो राणा जी, आपने बहुत कीमती समय देकर हमें आपने बताया किसान भाइयों को इसके बारे में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अगर आप अभी तक हमारी ऐप के साथ नहीं जुड़े हैं, जो गूगल प्ले स्टोर पर किसान जंक्शन के नाम से आपको मिलेगी, आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, ऐप के माध्यम से हमारे साथ जुड़ सकते हैं, या हमारी वेबसाइट है www.kisanjunction.in, इसके साथ जुड़कर आप पूरे भारत से कहीं से भी कोई भी किसान भाई हमारे साथ जुड़ सकता है। हमारी ऐप का सीधा मकसद है कि कैसे डायरेक्ट फार्मर द्वारा प्रोड्यूस किया गया, पैदा किया गया खेत का अनाज कैसे सीधा कंज्यूमर तक हम पहुंचा पाएं। दोस्तों, आपको हमारा पूरा वीडियो कैसे लगा, प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। हमारी ऐप किसान जंक्शन के साथ जरूर जुड़ें। आपका पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।